घर से बेटी उठवाकर मुस्लिम बुड्ढे से ब्याह करवा दी, पुलिस बोली शुक्र मनाओ, रेप के बाद रोड किनारे फेंकी नहीं मिली, पाकिस्तान से आए हिंदुओं का छलका दर्द। हर योजना में 85% कमीशन, सबको समान भाव से लूटती है कांग्रेस, अजमेर में कांग्रेस पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। बरेली में आलिम ने आनंद बनकर छात्रा से शादी रचाई, दुष्कर्म कर गर्भपात के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। ज्ञानवापी ढांचे की जगह भव्य शिव मंदिर, जल्द इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, खारिज की आपत्ति। लानत तेरी जिंदगी पर, अपना नाम बदल ले सारा अली खान को मंदिर में देख भड़के इस्लामिक कट्टरपंथी, कहा बेशरम तुम शिर्क कर रही हो। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी के कार्यक्रम में लहराए गए खालिस्तानी झंडे, खालिस्तान जिंदाबाद के जमकर लगाए गए नारे। सूरत में भी दोहराया गया साक्षी मर्डर, पिता ने बेटी को 25 बार चाकुओं से गोंदा, वार कर की मौत, पत्नी की काटी उंगली। मुस्लिम डरे हुए हैं बयान पर बुरे तरह से घिरे राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी ने याद दिलाया कांग्रेस वाला राज, जब वो थे तो मुसलमानों के लिए क्या किया। गुरुग्राम में शराबियों के हुड़दंग का वीडियो, कार की छत पर पुशअप करते हुए वीडियो आया सामने, दो लड़के खिड़कियों में लटके हुए थे, पी रहे थे शराब। अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित हुआ तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा, ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया, सीएम एकनाथ शिंदे का फैसला। शहडोल में पैसों का लालच देखकर आदिवासियों का किया जा रहा धर्म परिवर्तन, पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। देश में मुसलमानों की हालत दलितों जैसी, मुसलमानों की स्थिति 80 के दशक में दलितों की स्थिति जैसी थी वैसी है, राहुल गांधी का बयान। गाजियाबाद में धर्मांतरण के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने लगा जैन लड़का, पिता को कहता था जिम जा रहा हूँ, पिता ने किया पर्दाफाश। देश में मुस्लिमों से नफरत करना आजकल फैशन बन गया है, बोले अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। विदेश जाते ही राहुल गांधी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस जाती है, अमेरिका में दिए भाषण पर बीजेपी नेता नकवी ने साधा निशाना। नई सूरज राह, कांग्रेस की गुत्थी, आलाकमान से मिलने के बाद भी नहीं बदले सचिन पायलट के तेवर, गहलोत सरकार को दिए गए 15 दिनों के अल्टीमेटम को लेकर कहा सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ओवैसी का मोदी सरकार को चैलेंज, कहा दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए आईसीसी ने उठाया बड़ा कदम, अब पाकिस्तान की टीम को आना होगा भारत। 12 साल की बच्ची बनी माँ, इंस्टाग्राम पर दोस्त बनकर हैदराबाद ले जाकर करवाई शादी, 7 महीने बाद प्रेग्नेंट लौटी बच्ची, करवाया गया प्रसव। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें तेज, अमित शाह की अगुवाई में हिंसा प्रभावित लोगों के लिए काम कर रही सरकार। मुंबई में पहलवानों का समर्थन न करने पर यूथ कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर लगाया पोस्टर। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर आया केंद्रीय खेल मंत्री का बयान, बोले जांच का इंतजार करें। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक, केजरीवाल ममता समेत कई नेता होंगे शामिल।